शहर के सराफा चौक स्थित वार्ड नंबर 18 में स्थित एक पान दुकान में काम करने वाले युवक के द्वारा बीते दिन वो अपने ही दुकान संचालक के मोबाइल चोरी कर ऑनलाइन फोन पे के माध्यम से करीब 1.5 लाख रुपए की राशि अपनी बहन के खाते में डालने का ताजा मामला कोतवाली थाने में सामने आया है। आपको बता दें कि शहर के सराफा चौक स्थित वार्ड नंबर 18 निवासी नरेंद्र पिता बिशनलाल डोहरे, जो कि पान मटेरियल सप्लायर की दुकान का संचालन करते हैं, 3 अक्टूबर को रात्रि 10:30 बजे जब वह दुकान बंद करने से पहले पूजा कर रहे थे, उस समय उन्हीं की दुकान में काम करने वाला बैयर चौकी निवासी नरेश, जो कि उन्हीं की दुकान में काम करता है, उसके द्वारा पूजा करने गए दुकान संचालक की अनुपस्थिति में सूनेपन का फायदा उठाते हुए दुकान संचालक का मोबाइल को उठाकर भाग गया। जब दुकान संचालक के द्वारा अपना मोबाइल दुकान के काउंटर पर नहीं मिलने पर उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से मोबाइल की पता साझी की, किंतु मोबाइल नहीं दिखाई दिया तो नरेश से पूछा गया तो उन्होंने मोबाइल ले जाने से मना कर दिया गया, किंतु दुकान में नरेश के सिवा दूसरा व्यक्ति कोई था ही नहीं, जिस पर दुकान संचालक नरेंद्र द्वारा नरेश से पूछताछ किया गया, क्या उनके द्वारा मोबाइल दुकान से लिया गया है। बार बार पूछताछ करने पर भी नरेश के द्वारा मोबाइल नहीं ले जाने की बात कही गई, एवं जब दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में नरेश के अलावा कोई उपस्थित नहीं होने पर उन्हें पूरा शक नरेश पर ही जाहिर किया गया। उसके बाद जब मोबाइल की ट्रैकिंग करवाई गई तो मोबाइल बैयर चौकी स्थित क्षेत्र में ही लोकेशन पाई गई। जब मोबाइल के फोनपे के माध्यम से 1,50,000 रुपये की राशि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की गई, उसके बाद ट्रांजेक्शन किए हुए पैसे और मोबाइल के आई लोकेशन के अनुसार दुकान संचालक के द्वारा जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तब वो पता चला कि नरेश के द्वारा ही दुकान से मोबाइल लेकर चोरी किया गया था। वो मोबाइल के फोन पे से नरेश द्वारा अपनी बहन जो कि गोंदिया में रहती है उनके खाते में 1.5 लाख रुपए की राशि भेजी गई थी, जिसमें से मात्र 99,000 रुपये ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो पाए थे, जिस पर दुकान संचालक के द्वारा इस पूरी घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई और नरेश को भी पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिस पर कोतवाली पुलिस के द्वारा देर रात तक उस मामले को लेकर गंभीरता से लेकर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हमारे द्वारा कोतवाली थाने के थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले से अनौपचारिक चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि उक्त मामला सराफा चौक स्थित एक पान दुकान का है, जहां पर काम करने वाले युवक के द्वारा ही अपने दुकान संचालक का मोबाइल लेकर फरार होना बताया गया, जिस प्रकार से ऑनलाइन से ट्रांजेक्शन के माध्यम से 99,000 रुपये की राशि पार की गई है, उस राशि को रिकवर करने की कार्रवाई भी की जा रही है, जो कि न्यायोचित कार्रवाई होनी है वह यथाशीघ्र ही की जाएगी। मेरी दुकान में रहता है, क्या नाम है? नरेश नारदेव। कैसा क्या हुआ था? 10:30 बजे सर मैं पूजा करने दुकान बंद करते समय पूजा करने ऊपर जाता हूँ, ऊपर पूजा करके आया, उतनी देर में मोबाइल मार के घर से चले गए, ये दुकान से चले गए बगैर बताए। फिर उसके बाद मैं ढूंढा मेरा मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, मेरे को शक हो गया था कि इसी ने ले जाऊँगा मेरा मोबाइल, तो मैं फिर इसके उससे मोबाइल से लगाया तो स्विच ऑफ दिखाने लगा, फिर उसके बाद मैंने बोला भाई के मोबाइल से लगाया तो फिर रिंग गई, फिर बंद हो गया, 2 बार रिंग गई उसके बाद बंद हो गया, ऐसा करके फिर मेरे को शक हुआ तो मैं इसके घर गया, तो ये घर पे नहीं था, ये कहीं उधर से आ रहा था, तो इसको मैंने पकड़ के लाया, मतलब मोबाइल किसने लिया है सही सही बता दे, मैंने बोला भाई, क्योंकि बाजू में कैमरा लगा था इंदिरा ज्वेलर्स में, वहाँ देखा था तो सवेरे देखा मैंने तो यही दिख रहा है आखिरी में, उसके सिवा और कोई था ही नहीं वहाँ, तो शक कुछ नहीं था जी। हाँ फिर बस ऐसी घटना थी, उसके बाद में शांत हो गया। कितना पैसा? 1.5 लाख रुपये थे सर, पूरा पैसा पूरा निकाल लिया सर। किसके अकाउंट में ट्रांसफर किया? इसने अपनी बहन के ट्रांसफर किया है गोंदिया में। गोंदिया में जी। इसकी बहन का क्या नाम है? उसका नाम नहीं मालूम। कितनी राशि लगभग किन्ने ट्रांसफर करवाया? इसने 1,50,000 रुपये निकाला मोबाइल से, जिसमें से 99 पास हुए, बाकी फील्ड बताया। अच्छा, ये कब से जानते थे आप ये और कब से काम? ये तो मेरे से 2-3 साल से है, घर जैसा संबंध था, इसलिए अपन भी उसको चिपका के रखते थे भाई जैसे। आपको कैसे शक हुआ इस पे? मेरे को शक इसलिए हुआ कि उस समय में इसके सिवा कोई नहीं था, यही था और मैं था, मेरा भाई था। आपने पूछे नहीं कि आप ही थे? और उसके पूछा मैंने उसको, बहुत बोला भी, मतलब तूने लिया है, देखो पैसे की जरूरत है तो मेरे से ले ले अगर लग रहा है तो, बाकी तूने लिया तो वापस दे दे भाई, मतलब। तो बोले नहीं मैंने उठाया नहीं, माँ की कसम, बहन की कसम, भाई की कसम, खाने लगा कि मैं शांत रहा। दूसरे दिन मैं बैंक गया तो बोले पैसे निकल चुके। अच्छा, क्या नाम है इसका आप जानते हैं? कैसे? नरेश नागदेव, भैया चौकी में रहता है। आप क्या काम करता था? कितने सालों से काम करता था? ये हो गया 3-1 साल से।